हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और ऐसा है कि प्रिपरेशन बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। तो देखो, आप सब सभी का प्यार ऐसा ही मिलता रहे, आपको दिल से धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की, जो पेपर सेकंड की बात करते हैं। पेपर सेकंड के अंतर्गत जीएस और जीके का पार्ट आता है, आप सभी को पता है। नहीं पता हो तो ध्यान रखना इस बात का कि पेपर सेकंड के अंतर्गत जीके और जीएस का पेपर आता है ना। अब देखेंगे कौन से टॉपिक से, कौन से सब्जेक्ट से। ठीक है, एक बार तो आपको पूरी चीजें से बता रहा हूँ कौन कौन से आ रहे हैं, प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे, किस सब्जेक्ट से। फिर आपको मैं क्या करूंगा, टेलीग्राम पे है ना, एक एक अपडेट डाल दूंगा। भाई देखो, मैं ना खुद बता रहा हूँ मैंने कैसे क्वालिफाई किया, मैं बता रहा हूँ पूरा कभी नहीं पढ़ा था। पूरा कब तक बैठ के पढ़ेंगे भाई, पूरा नहीं पढ़ना है। हाँ, ऐसे लगे ना आपको, ये टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूटअप होते हैं, हर बार होते हैं, तो उसी टॉपिक पे ज्यादा फोकस्ड रखो भाई, है ना। हर किसी के टॉपिक को उठा के मत देखो भाई। अब आप पूरा टॉपिक दे रहे हो भाई मैथ रीजनिंग है, तो इसके पीछे पढ़ो मैथ रीजनिंग के पीछे, तो भाई ये तो बहुत गलत बात है ना, इसके पीछे मत पढ़ो। इस टॉपिक के पीछे पढ़ो जिस टॉपिक से ज्यादा पर्सन आने की संभावना होती है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। हर कोई जो मतलब क्रैक करता है एग्जाम, उसकी रणनीति यही होती है। मैं खुद की बता रहा हूँ भाई, मेरे जो भी मेरे साथी हैं स्टाफ के, मैं उनकी भी बता रहा हूँ, है ना। बहुत सारे सब इंस्पेक्टर मेरे साथ के दोस्त हैं, उनकी भी बता रहा हूँ। बस उनका एक टारगेट होता था कि भाई हमको कौन सा सब्जेक्ट किस हिसाब से पढ़ते हैं और कौन सा किस हिसाब से पढ़ना है, उसी हिसाब से क्या पढ़ेंगे तभी तो जाके हमारा सिलेक्शन होगा ना दोस्त, है ना। ऐसे पढ़ने रट्टू भी थे तो मतलब रट तोते की तरह, तो हर कोई रटता है भाई, है ना। रटना नहीं है, समझना है किसी चीज को, समझोगे लॉन्ग टाइम तक चलोगे, है ना। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि वैकेंसी जब आएगी तब पढ़ेंगे, सोचो मत भाई। बुरी मेरी बात बुरी लगे ना तो भले ही लगो, जब वैकेंसी आएगी तब तैयारी करने बैठोगे, दुनिया तैयारी करेगी। आप कोई अनोखे नहीं हो कि आप अकेले तैयारी कर रहे हो। अगर भाई को समझते हो ना तो पहले लग जाओ तैयारी में। आपने देखा होगा कॉन्स्टेबल का पेपर हुआ था, ऊपर से जा रहा था भाई, मैंने खुद देखा था पेपर, इतना मतलब लेवल कितना अच्छा था उस पेपर का, धुएं निकल जाएगी धुएं पेपर में भाई। तैयारी पहले से ही करना स्टार्ट कर दो ताकि लास्ट में आपको कोई दिक्कत ना हो। आपका भाई आपके साथ खड़ा है हर बात बताने के लिए यार, फिर भी वैकेंसी के पीछे भाग रहे हो। वैकेंसी जब भी आएगी आ जाएगी, अपने को क्या टेंशन, अपने को तैयारी करने से मतलब है। 1-2% है जिनको ये होता है कि वैकेंसी कब भाई, वैकेंसी आने के बाद तैयारी करेंगे, सोचना मत भाई। अगर मेरी बात बुरी लगे उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन ये बात सत्य है। अब बात कर लेते हैं पेपर सेकंड जीएस जीके की। ठीक है, वो इसमें क्या है कि 100% आएंगे, 200 नंबर का होगा पूरा टॉपिक। मैंने पहले भी इसके आधारित आपको बता रखा है भाई, एसआई का एक निचोड़ बता रहा हूं भाई। और प्रीवियस पेपर लास्ट ईयर के जितने पेपर ना लगभग मैंने भेज दिए टेलीग्राम पे, आपसे सोल्व था। ठीक है, नहीं मैं करवा दूंगा सोल्व उसको भी, है ना। अगर फिर भी आपके ये हो रहा है कि मैं खुद सोल्व कर लूंगा, टेलीग्राम पे पढ़े आराम से जाके देख सकते हो स्टडी बाय बुडक, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अन्यथा आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। राजस्थान इतिहास की बात करते हैं, इसमें कितने पर्सन पुटअप हुए थे लास्ट ईयर में, उस हिसाब से बता रहा हूं आपको, है ना। तो 5 से आपको स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा भाई, है ना, और टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा ये चीजें। मैं ऐसे टेलीग्राम पे हर बात शेयर करता हूं वैसे तो। राजस्थान इतिहास की बात करते हैं, इसमें 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, 5 से 7 प्रश्न इसमें आराम से पूछे जाते हैं। राजस्थान इतिहास पे फोकस करना है, राजस्थान भूगोल के हाँ 1-2% ऊपर नीचे होते हो सकते हैं, और हिंदी का सेशन मैंने कल ले लिया है, है ना। जो भाई मेरे से जुड़ा हुआ है, बहुत दिनों से जुड़ा हुआ है, उसको उसके लिए बहुत ही बेनिफिट सेशन होने वाला है भाई। और जो नई एक्सपीरियंस है एसआई को लेकर के, उसके लिए तो रामबाण हो सकता है ये, है ना। राजस्थान भूगोल में 5 से 7 प्रश्न है, है ना। राजस्थान अर्थव्यवस्था में इतने प्रश्न पूरे टॉपिक से आते हैं, और मैं कौन कौन से टॉपिक आपको टेलीग्राम पे करवा दूंगा, भेज दूंगा, वो मैं अभी लास्ट में बताने वाला हूं आपको, है ना, धीरज रखिए थोड़ा सा। तो राजस्थान भूगोल की बात करते हैं, 5 से 7 सवाल आने की संभावना होती है इसमें, हर बार मतलब आते हैं 5 से 7 सवाल के बीच में। राजस्थान अर्थव्यवस्था की इको की बात करते हैं, 6 से 7 सवाल सॉरी। और राजस्थान राजव्यवस्था, राजस्थान पॉलिटी, 4 से 7 सवाल इसमें भी आते हैं। भारत का इतिहास की बात करते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं इसमें। रीजनिंग और मैथ को अगर आती है आपको ठीक है, नहीं आती है तो उसको छोड़ दो एक बार, इसके एक बार बीच में मत लाना इसको। 10 क्वेश्चन 8 से 10 या 10-11 प्रश्न इसमें आते रहते हैं, है ना। और जो करंट का इश्यू है, जो सीए का पार्ट है, वो आपको पूरा मैं करवा दूंगा, टेलीग्राम में भेज दूंगा आपको। कोई वीडियो की 2-3 घंटे दिन के खराब करने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान कला संस्कृति आर्ट और कल्चर है राजस्थान की, उसका अगर अपने को देखें तो उसका वेटेज भी ठीक ठाक रहता है, अच्छा खासा वेटेज रहता है इसका। 5 से 8 सवाल इसमें
आते हैं ना, और भारत और विश्व का भूगोल इसमें भी अच्छी आती है। और आपको एक बात तो बता दूं, जो भारत और जो विश्व का भूगोल है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वो मैंने पहले वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो। आपको मतलब ये आपको सेंड कर दूंगा मैं टेलीग्राम पे, नहीं उसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा, है ना। भारत का विश्व का भूगोल, इसमें से 13 से 15% विश्व के भूगोल से ठीक आते हैं, पर्सन अच्छे खासे पर्सन आते हैं ना। भारत की अर्थव्यवस्था आ गई, भारत की इको में से 8 से 10 1-2% ऊपर नीचे मारे ना, सेम ये मतलब पर्सनों का वेटेज ही रहता है ना। और भारत की राजव्यवस्था, भारत की पॉलिटी में से सबसे ज्यादा भारत की पॉलिटी में से पूछते हैं ना। और विज्ञान एवं तकनीकी, जो साइंस एंड टेक है ना, वो आपको पूरी मैं करवा दूंगा भाई, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको, उससे बाहर नहीं जाना दूंगा, देख लेना। विज्ञान एवं तकनीकी 6 से 9% इसमें से जाते हैं। अब साइंस को पूरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना, साइंस में से वो टॉपिक पढ़ने हैं, मैंने पहले भी वीडियो में बहुत सारे बता रखे हैं। और बता दो आपको कि इसमें से जो विटामिन है, विटामिन को देख लो, और जो डिजीज है, रोग, जो रोग है, इन दो को तो आपको देखना देखना है, तो अंगुली भी आना चाहिए। और जो नहीं रहते हैं ना, नहीं मान लो कोई बीमारी नहीं आती है, जैसे कोरोना वायरस आया था, उसके भी नहीं अल्फा बेटा कौन सा आए थे वो सारे, वो भी आपको याद करने, जो नहीं बीमारी आती है ना उसको याद कर लो, है ना, ठीक है। और साइंस में इतने देख लो, टेक में आपको करवा दूंगा, है ना, जितने भी डिफेंस रिसर्च इसरो वगैरह सारे भी जितने हैं ना, वो सारा आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, करंट की टेंशन लेना मत आप। अब देखो मैं कौन कौन से आपको करवा दूंगा, और ऐसा टॉप सीरीज में है ना, आपको मैं हर एक टॉपिक दे रहा हूँ टेलीग्राम पे, अब खुद हैंडराइटिंग लिख लिख के आपको भेज रहा हूँ मैं, उस पे आराम से आप देख लेना भाई, 1-2 दिन से लिखना होता है उसमें, 1-2 दिन में आपको पूरा मैं कंटेंट हर एक टॉपिक आपको भेज दिया करूंगा, जो इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है ना, जो मैंने पढ़े थे पहले उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये बाई टॉपिक मैं करवा दूंगा, राजस्थान की इको है ये मेरे पे छोड़ दो, और राजस्थान की राजव्यवस्था आप करना, इसको नहीं होता तो पूछ लेना। और एक ये एक जो सीए का करंट अफेयर का सिस्टम है वो मैं बता दूंगा आपको, ये अपना विश्व भूगोल कराया हुआ है, देख लेना यूट्यूब पे पढ़ा वीडियो, मैराथन भी पड़ी है इसकी। भारत की अर्थव्यवस्था ये मैं करवा दूंगा, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मैं करवा दूंगा, है ना। और विज्ञान साइंस एंड टेक में करवा दूंगा। अब इतनी 1-2-3-4 टॉपिक तो मैं करवा रहा ही हूं ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपके, इनके अटैक मेरे पे छोड़ दो, बाकी तो आपके पास में आपके खुद के नोट्स लिखे हुए होंगे, है ना। अगर एक अलग सेशन लेकर आऊंगा नोट्स को लेकर के, ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, एक नया वीडियो लेकर आऊंगा आपको स्टार्टिंग से कैसे स्टार्ट करना है भाई, सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट के नोट्स बनाऊं, कौन सी बुक पढ़ूं, है ना, वो सारे मैं एक नया सेशन लेकर आऊंगा 1-2 दिन बाद में, आप वो देख लीजिए, है ना। तो इसमें लगभग लगभग बातें बता दी आपको, कोई पीडीएफ चाहिए किसी की, मान लो स्प्रिंग बोर्ड वगैरह की चाहिए और चाहिए तो ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, है ना। तो और भी कोई डाउट है आप सभी के तो भाई बता देना। ये अपना सेशन था जीके एंड जीएस का, और इसमें भी मैं टेलीग्राम पे क्या करूंगा, सारे जैसे मान लो भारत और विश्व का भूगोल है, इसमें भी कौन कौन से टॉपिक ज्यादातर पूछे गए हैं वो भी सारा निचोड़ के मैं कहां डालूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा दोस्त, आप वहां से ले सकते हो, है ना। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, सब्सक्राइब करो ना करो आपकी मर्जी है, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है भाई। ऐसा है टॉप सीरीज में भी आपको मैं उसमें हर कंटेंट दे रहा हूँ पूरा, है ना। बाकी अगर आपकी क्यूरी है तो भाई मैसेज करना, रिप्लाई मिलेगा ना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।